स्किन uh, की बीमारी के साथ कि आपकी स्किन जो है वो इंची है स्केली है अगर आपको सोरियासिस है तो आप क्या करें आप कैसे जिए कैसे आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उसके लिए क्या क्या दवाइयाँ आप ले सकते हैं लाइफ विथ सोरियासिस हाउ टू लिव विथ सोरियास बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे लोग जिनको सोरियासिस है उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और सोरियासिस मतलब उनकी स्किन जो है घपा घप घपा घप ग्रो हो रही है एक के ऊपर एक लेयर एक के ऊपर एक लेयर हो रहा है बिकॉज ऑफ़ एनी ट्रिगर मे बी धूप मे बी एनी अडर स्ट्रेस फैक्टर एनी स्टिमुलेंट इरिटेंट उस ट्रिगर्स की वजह से ग्रो होती है एंड दैट ग्रोथ वो फिर वाइट प्लेकी स्किन फ्लेकी स्किन बनते जाती है सो दीज काइंड ऑफ पीपल नीड गाइडेंस सो आज वो गाइडेंस हम उनको देंगे अगर आपको भी कभी कभी ये थिक मोटे कभी लाल कभी स्केली स्किन हो जाती है तो ये भाई साहब इचिंग भी कर सकता है पेनफुल भी हो सकता है तो ये एक तरीके से एक बड़ा प्रॉब्लम है सोर्यासिस है काफ़ी सारे लोगों को सोर्यासिस का प्रॉब्लम होता है और अगस्त में सोर्यासिस का अवेयरनेस मंथ माना जाता है कि भाई आपको पता तो चले सोर्यासिस है क्या तो आपको कुछ तो आइडिया हो तो इसीलिए हम आज आपको आइडिया देंगे कि सोर्यासिस क्या है ज़्यादातर लोगों को ये सोर्यासिस जो है ये एल्बो में होता है आपको ये घुटनों में हो सकता है आपके स्काल्प में हो सकता है बैक पे हो सकता है फेस पे हो सकता है पाम पे हो सकता है फीट पे हो सकता है और ये अलग अलग जगहों पे भी हो सकता है फिंगर नेल्स पे टोस पे जेनाइटल एरियाज़ पे मुंह के अंदर तो सोर्यासिस काफ़ी जगहों पे हो सकता है ये अपने आप में अनकम्फर्टेबल होता है पैच सेल्फ कॉन्शियस होता है और आपको बहुत ज़्यादा उसके बारे में बुरा भी लगता है कि यार ये क्या है और अच्छा नहीं दिख रहे हम सो सोर्यासिस सोशली आपको आइसोलेट भी कर सकता है आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं साइकोलॉजिकल प्रेशर भी आ सकता है मगर ये सिर्फ साइकोलॉजिकल बीमारी नहीं है फिजिकली भी आपके शरीर में डैमेज करती है यह आपके फिजिकली आपके शरीर के इम्यून सिस्टम के ओवर एक्टिव होने के वजह से है ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम के होने की वजह से दिक्कत हो रही है क्योंकि एक एक तरीके से मान लीजिए रैपिड हाई रिस्पॉन्स आ रहा है और एक तरीके से स्किन के अंदर इंफ्लामेशन हो रहा है और स्किन के सेल्स का जो टर्न है जो ग्रोथ है वो और ज्यादा फास्ट हो जा रहा है सो ग्रोथ फास्ट हो जा रहा है इन्फ्लामेशन हो रहा है ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम है तो ये चीज आपको समझनी है होता क्या है नॉर्मल स्किन जो है उसको एक करीब करीब एक महीना लगता है टू ग्रो एकदम डीप 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 ग्रो करता है उसके बाद वो सरफेस पर आता है नीचे से ग्रो करके सरफेस पे आता है मतलब 28 दिन के आसास मान के चलिए 28 दिन में आपका जो स्किन है वो नई हो जाती है एक एक सेल नया हो जाता है सो so, ऐसे में क्या होता है सोरयासिस में ये 28 दिन की जगह कुछ ही दिनों में तीन चार दिनों में ये हो जाता है उस एरिया में तो बाकी सारी जगहों पे 28 दिन में हो रहा है उस एरिया में कुछ ही दिनों में हो रहा है तो वहाँ ग्रोथ बढ़ जाता है तो वहाँ क्या होता है ग्रोथ बढ़ बढ़ के ऊपर आती, आती जाती है आती जाती है डेड स्किन इकट्ठा होती जाती है इकट्ठा होती जाती है वो डेड स्किन का वाइट कलर का स्केली प्लैक बन जाता है तो यही हो रहा है सोर्यासिस में जो लोगों को तंग कर रही है अब ये सोर्यासिस अनफॉर्चुनेटली सिर्फ और सिर्फ स्किन को अफेक्ट नहीं करता है सोरियासिस जो है कभी कभी आपके जॉइंट्स को भी अफेक्ट कर सकता है आपके जॉइंट्स में सूजन करके सोरियाटिक आर्थराइटिस भी कर सकता है और सोरियासिस के वजह से लोग अपना ख्याल रखना बंद कर देते हैं तो इसीलिए ऐसे केसेस भी देखे गए हैं कि सोरियासिस की बीमारी के बाद आपको डायबिटीज भी हो जाता है आ, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है स्ट्रोक हो सकता है हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है हाँ बेटा बैठो को पापा ओके okay. आ जाओ पापा एक है बेटा जाओ फिर पहले पहले वे फेस वॉश करके आओ जाओ फेस वॉश और हैंड वॉश करके आ ओके जल्दी जाओ पापा क्या है पापा का काम है ये ओके जाओ हैंड वॉश करके आओ पहले जाओ पहले हैंड वॉश करके आ जाओ <laughs> पापा मैं क्या बनना है पापा मेरे को बैठना है हेलो बोलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हाउ आर यू हेलो, हाउ आर यू हाउ आर यू सुई तो अच्छा सौ सो से आपको हार्ट अटैक जैसी बीमारियां भी कर सकता है इसीलिए सोरियासिस को मैनेज करना आपको आना चाहिए जो सोरियासिस के पेशेंट्स हैं वो और ज्यादा रिस्क फैक्टर्स ना पैदा करें अपने शरीर में जैसे कि वजन ना बढ़ने ये दें ये क्लास हो रही है लाइव क्लास क्या हो रही है पापा हाँ आप क्लास ले लो एक नहीं तो क्लास को हाथ नहीं लगाते बाबू वो कैमरा है वो क्या <laughs> वो, इसको नहीं हाथ लगाते वो फोन है आईपैड है क्या है सो हाँ। <coughs> so, इसीलिए आपको कोई अगर जिसको ऑलरेडी सोरियासिस है, तो वो स्मोकिंग ना करें गलती से भी और अपने वजन को मेंटेन करें एक्सरसाइज करें ताकि अपने बाकी के रिस्क फैक्टर्स को प्रिवेंट करें सोरियासिस की एक और बात है कि उसके सिम्टम्स कभी आते हैं कभी जाते हैं तो और इसके कई सारे फॉर्म भी होते हैं तो कई बार डायग्नोसिस करने में दिक्कत होती है इसलिए डायग्नोसिस के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके कन्फर्म कर लें और इस चीज में बहुत जरूरी होता है अगर आपको सोर्यासिस है तो कुछ आपके दुश्मन हैं जैसे एक नंबर एक ड्राई स्किन ऑलरेडी चमड़ी एक के ऊपर एक ग्रो कर रही है उसके ऊपर वो सूखी भी होगी तो और ज़्यादा खतरनाक है तो ड्राई स्किन नहीं होने देना है दूसरा दूसरा आपका दुश्मन है स्ट्रेस अगर आपको स्ट्रेस है एन्जाइटी है या किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए तो वो दिक्कत करेगा तो ये आपकी कंडीशन को और ज़्यादा खतरनाक कर देंगे तो स्ट्रेस से बचना है इन्फेक्शन से बचना है और आपको ड्राई स्किन नहीं होने देनी है स्किन को मॉइस्चराइज्ड रखना है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आज के डेट में क्या हो रहा है पहले ज़माने में इतना ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था सूर्या का इसका अब ट्रीटमेंट अवेलेबल है डॉक्टर्स के पास नए नए ऑप्शंस हैं ट्रीटमेंट है क्या क्या ट्रीटमेंट है पहला तो ट्रीटमेंट है ऑइंटमेंट्स आते हैं जैसे स्टीरोइड क्रीम्स आती है वाइटामिन डी थ्री रेटिनॉइड्स कोलटार और एंथ्रासिन एंथ्रालीन एंथ्रालीन की क्रीम्स आती हैं ये सारी क्रीम्स ये डायरेक्टली आप सोरेसिस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं इन्फ्लामेशन कम करती हैं स्किन बेटर करती हैं ये पैचेस को कम करती हैं टॉपिकल क्रीम्स आती हैं देख पहला क्या क्या वा कॉटिकोस्टिरड्स वाइटामिन डी थ्री रेटिनॉइड्स कोल्टार और एंथरालीन सेकेंड थेरेपी जो होती है वो होती है लाइट थेरेपी जो मैंने बताया नेचुरल लाइट भी है जो सन से आती है और आर्टिफिशियल अल्ट्रा वायलेट लाइट भी है ये दोनों चीज़ें आपकी सिम्टम्स को कम कर सकती हैं तो धूप में थोड़ा बैठ सकते हैं सुबह सुबह की लाइट थेरेपी जो है ये डॉक्टर के थ्रू ही आपके डॉक्टर के अंडर ही करनी चाहिए क्योंकि ज़्यादातर लाइट लेने से कभी कभी स्किन डैमेज भी हो सकती है और कुछ लोगों की लाइट में जाने की वजह से सिम्टम्स बढ़ भी सकते हैं so, सो अपने डॉक्टर से डिस्कस करके दिक्कत करें वरना टैनिक बेड वैड उसमें खुद जाके घुस मत जाइए गड़बड़ी मत करिएगा ठीक है और तीसरा ट्रीटमेंट होता है दवाइयाँ सिस्टमिक मेडिकेशन मेडिकेशन भी आती हैं इंजेक्शंस भी आते हैं जो आपके डॉक्टर दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपके केस उस केस में कुछ टीरोयड्स के भी दवाई दे सकते हैं जिससे आपके वज़न बढ़ने का रिस्क होता है सो so, इसलिए वो ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म ना लें उसका ऑब्जेक्टिव होता है एक्यूट फेस को रोकना आर्थराइटिस ना हो जाए आर्थराइटिस को रोकना या बहुत ज़्यादा सिवियर इन्फ्लामेशन है तो उसको रोकना फिर ज़्यादातर केसेस में कॉम्बिनेशन थेरेपी ही काम करती है मतलब थोड़ी बहुत दवाएं थोड़ी बहुत क्रीम थोड़े बहुत लाइट ये ज़्यादातर केसेस में मिक्स करके करोगे तो ठीक हो जाओगे साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है फैमिली के तरफ से फ्रेंड्स की तरफ से सोशली इन लोगों को वरना उनका मुराल डाउन हो जाता है बहुत जल्दी वो डाइटिंग वाइटिंग छोड़ देते हैं उल्टा सीधा खाते हैं कोई बात नहीं भाई पहाड़ में जाए हम तो मोटे हो रहे हैं हो रहे हैं फिर बीमारियाँ इकट्ठी होती जाती है तो so, कृपया ऐसे ना होने दें अगर आपको ऐसा कुछ है तो अपने हेल्थ के ऊपर डट के रहो उसके ऊपर ध्यान दो एक एक चीज़ अपने लाइफ में इंक्लूड करते जाओ जिसके ऊपर धुआंधार तरीके से काम करो ठीक हो जाएगा अपने डॉक्टर से अप्रोच में रहो कॉन्टेक्ट कॉन्टैक्ट में रहो बात करते रहो और एक्सरसाइज करते रहो दिस इज ऑल अबाउट अबाउटिस थैंक यू सो मच स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्दी